कितनी गाड़ियाँ थी? वो अम्बेसडर से भी चलते थे, वो अपनी पर्सनल फॉर्चूनर से भी चलते थे, उनको जहाँ जाना होता था उस हिसाब से वो चलते थे। ये बताइए, जब उनकी मौत हुई है उसके पहले आप कहाँ थे और उस दिन क्या घटना घटी थी, कैसे आपको सूचना मिली, आप क्या ड्यूटी पर थे, कुछ आपको कैसे पता? नहीं, हम ड्यूटी में नहीं थे, हमारी तबीयत खराब थी, सुबह हमको बुलाए थे, बोले कि ठीक है अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम करो। उसके बाद हम आए, गोर धरे, मिले, हर चीज़ किए, उनको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था किसी प्रकार को उनको वो है, हमेशा की तरह वो वैसे ही बैठे थे। कब आप मिले उनसे, कब आखिरी बार कब मिले थे? उसी दिन 10 बजे हम मिले थे उनसे, वो छुट्टी पे थे आप? वो खुद बुलाए थे, हम यहीं रहते हैं 24 घंटा, वो हमको खुद यहीं बुलाए थे। अच्छा, जब घटना हो गई तो क्या कैसे पता लगा आपको? घटना हो गई, हम अंदर थे, बाहर निकले, 6 बज रहे थे, बाहर जब निकले तो देखे 2-4 विद्यार्थी रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे, हमें लगा शायद कि भाई कोई गलती किए हों, शायद महाराज डांटे हों इसलिए रो रहे हैं। जब वो उससे हमने पूछा, वो बताया नहीं महाराज फांसी लगाया जाए। जब वहाँ से बाहर निकले तो यहाँ पे तो लमसम कम से कम 20 पूरी मठ के लोग थे, बहुत भीड़ लगी थी, फिर हम देखे नहीं। उसके बाद तो वो तो जब पूरी फोर्स आ गई, पूरी पुलिस आ गई, तब देखा गया कि महाराज लेटे हुए हैं। आप बताइए, ड्राइवर थे आप, साथ में रहते थे, क्या बताया था उन्होंने, किस वजह से तनाव में थे, आनंदगिरी से उनका विवाद तो आप जान ही रहे थे। नहीं, ऐसा वो अपनी पर्सनल बात किसी से शेयर नहीं करते थे जी, क्योंकि अगर शेयर कर देते तो ये जो आज उनका हुआ ये होता ही नहीं। परेशान थे लेकिन, ये आपको पता होगा? नहीं, परेशान नहीं, वो हमेशा मतलब कि अगर उनको देखा जाए तो हमेशा वैसे रहते थे, क्योंकि उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य से भी मिले थे मंदिर जाके, वो भी देखे हैं कि महाराज वैसे ही थे जैसे पहले रहते थे। लेकिन अब उनको अंदर से क्या पीड़ा थी, अब उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि आनंदगिरी के वजह से है, तो हाँ ये हो सकता है। आनंदगिरी से तो विवाद था उनका, आपको मालूम है ना विवाद था? दुनिया को मालूम है, हमें क्या है? आपको लगता है कि क्या वो सुसाइड किए? नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन जो सुसाइड नोट उनका है वो हो सकता है, क्योंकि उनके पास उनके पास कोई जाता नहीं था। फोन पे बात भी किया करते थे, जैसा आपने बताया कि गाड़ी में बैठे रहते, फोन पे बात करते थे, तो किस विषय पे ज्यादा बात करते थे? वो बात नहीं, जैसा कि किसी का भी आ गया, केशव जी का आ गया, या किसी भी नेता नगरी का आ गया, या अखाड़े से किसी साधु का आ गया, महाराज जी आप कब आ रहे हो, इस प्रकार सारी बातें पूछी जाती थी कि भाई वहाँ हरिद्वार कब आ रहे हो, राजस्थान कब जा रहे हो, यही सब बातें होती थी। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि ये बताइए कि लिखवाते थे जब कोई भी पत्र लिखवाते थे तो किससे ज़्यादातर लिखवाते थे? उनका उनके मुंशी हैं सर्वेश कुमार द्विवेदी, वो हमेशा लिखते थे, उनको रखे थे, उनको इसीलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शायद अब उनका समय आ गया था, उनको ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने अपने हाथों से लिखा हो। अच्छा, ये बताइए, मठ के लोग सब लोग पहुंच गए थे, उसके बाद जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी थे वो आखिर क्यों नहीं पहुंच पाए? वहाँ पे मठ के लोग पहुंच गए, सुरक्षा कर्मी यहाँ के आपके नहीं पहुँचे? नहीं, सुरक्षा कर्मी तो थे और उनको बोल भी दिया गया था कहीं जाना है नहीं है, तो कुछ लोग अपना ड्यूटी में सुबह शाम रहते थे, तो वो सुबह शाम ड्यूटी वाले, शाम को जिनकी ड्यूटी थी सुशील तिवारी की, वो थे, नीरज पांडे जो थे उनकी ड्यूटी सुबह थी, वो ड्यूटी करके महाराज से मिल के दोपहर में चले गए थे, और सारी पुलिस सुरक्षा जो उनकी थी यहीं कमरे में थी। अजय सिपाही भी उस दिन ड्यूटी पे था, उसने देखा कहाँ? अजय सिपाही वो ड्यूटी आते थे, वो गनर थे, जब उनको कहीं जाना होता था तब आते थे वो। नहीं, ये हमारा सवाल है कि इतना हलचल मच गया उसके बाद भी पुलिस के जवान वहाँ नहीं पहुँचे, मठ के लोग पहुँच गए? नहीं पहुँचे थे, वो सुशील गनर जो थे वो पहुँचे थे, 11 पुलिसकर्मी थे, केवल एक पहुँच रहा है। नहीं तो जिप्सी को मना कर दिया गया था ना, जिप्सी जो थी वो जब महाराज बुलाते थे तभी जिप्सी आती थी। रहती थी यहाँ पर? हाँ, गार्ड रहती थी, वो मौजूद थी। आप उनकी गाड़ी चला रहे थे, 2-3 दिन पहले किन किन लोगों से मिलने गए थे, कुछ ऐसा किसी आदमी से मिलने? नहीं, उस समय तो वो ज़्यादातर, एक दिन वो मुंडेरा गए थे, एक मंदिर है हनुमान जी की, वहाँ वो गए थे, पूजा पाठ मतलब किए थे, बुलाए थे, उसके बाद से फिर वो मंदिर आना जाना उनका होता था और कहीं नहीं। उसके बाद वो क्या नाम है आपका? केशव जी से मिले थे किसी महिला से, और उसके बाद आईजी साहब से मिलते थे। क्या नाम है आपका? महिलाओं का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि नाम बताइए, दुर्गेश कुमार ओझा ड्राइवर जी।